हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। ये मैंने चार मीडियम साइज के बॉयल आलू लिए हैं, अब इनको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर हाथ से मैश कर लीजिए, लेकिन अच्छे से आलू पीस जाना चाहिए। अभी आलू अच्छे से मैश हो गया है, अब इसको साइड कर देंगे। अब ये मैंने एक कप साबूदाना लिया है, इसको 3 घंटे पहले पानी में भिगा दिया था तो ये अच्छे से फूल गया है। ये देखिए मैश हो रहा है। मैंने इस कप से साबूदाना को नापा था, एक कप साबूदाना लिया था, एक कप ही पानी डाल दिया था अच्छे से धुल करके, तो ये अच्छे से फूल गया है। एक भी पानी नहीं इसमें रह गया है। ये देखिए कितने बड़े बड़े दाने हो गए हैं अच्छे से। अब साबूदाने में आलू को डाल लेंगे जो मैंने मैश करके रखा था। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिए, जितना तीखा खाते हो। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसमें डाल देंगे हरे धनिया के पत्ते। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, ये व्रत वाला नमक है, ये व्रत में खाया जाता है। इसमें आप जो चीज़ व्रत में ना खाते हो उसको स्किप कर दीजिए, जो व्रत में खाते हो वो चीज़ डालिए। अब इसमें 2 चम्मच के आसपास घी डाल देंगे। अब सारी सामग्री को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथ में भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे हाथ में चिपके नहीं। अब सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हाथ साफ कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। अब एक प्लेट ले लेंगे, इसको घी से ग्रीस कर लेते हैं। अब नाश्ता को इसी में बना के रख लेंगे। अब थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेते हैं, एक बाइट उठाएंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज का बना लीजिए। मैं टिक्की का आकार दूंगी, आप गोल लंबे या फिर टिक्की का आकार जैसा पसंद हो वैसा बना लीजिए। ये देखिए ऐसे बना के रखते जाएंगे। अब देखिए दूसरा भी बन गया। अब पहले सारे बना के रख लेते हैं। अभी नाश्ता मैंने बना के तैयार कर लिया है, अब चलते हैं गैस की तरफ। अब एक पैन में मैंने घी रख दिया है गर्म होने को, 2 टेबलस्पून के आसपास। मैं नाश्ते को सेलो फ्राई करूंगी इसलिए कम घी डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं डीप फ्राई करना हो तो। गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं और घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब नाश्ता को डालते हैं। थोड़ा सा बराबर कर देंगे जिससे अच्छे से पक जाए। अभी पक जाएंगे तभी पलटेंगे, तुरंत पलटेंगे तो टूट जाएंगे। अब इस समय गैस को मीडियम हाई फ्लेम में कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा पक गए होंगे, इनको पलट के देख लेते हैं। ये देखिए इस नाश्ते को आप जब भी कोई व्रत हो तो आप तुरंत बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा खा लीजिए तो भूख भी नहीं लगती है। अब इनको 2-3 बार अलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। अब अच्छा कलर आ गया है, ये देखिए दोनों तरफ। अब इनको बाहर कर लेते हैं। अब दोबारा से सेक लेते हैं। अब सारे सेक के तैयार कर लेंगे, उसके बाद गरम गरम सर्व करेंगे।
ये साबूदाने का नाश्ता बनके तैयार है, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत आसान है इसको बनाना। इसको आप व्रत में या फिर बिना व्रत के कभी भी बना के खा सकते हैं। आप व्रत हो तो व्रत वाली चटनी लीजिए, बिना व्रत के कोई भी चटनी अपनी मनपसंद की ले सकते हैं। एक बार मेरे तरीके से इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको नाश्ता कैसा लगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।